कुछ कह रहे हैं। यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व में कैबिनेट मंत्री, बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय मदन कौशिक जी, हमारे इस विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई प्रदीप बत्रा जी, हमारे झबरेड़ा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई देशराज कर्णवाल जी, और आज कार्यक्रम में हमारे साथ जिनको आज समय की कमी के कारण से आप सबके सामने उनका संबोधन नहीं हो पाया, बहुत वरिष्ठ नेता, पूर्व में पार्टी के अध्यक्ष रहे, राज्यसभा के सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी, हरिद्वार जनपद के प्रभारी मंत्री के नाते जो आप सबके बीच में लगातार अपना प्रवास करते हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, आप सबके बीच से पूरे साधु समाज का भी जो प्रतिनिधित्व करते हैं, उत्तराखंड सरकार में मेरे साथ कैबिनेट मंत्री आदरणीय स्वामी यतीश्वरानंद जी, हमारे खानपुर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय चैंपियन साहब, लक्सर के लोकप्रिय विधायक भाई संजय गुप्ता जी, हमारे इस शहर के प्रथम नागरिक मेयर भाई गौरव गोयल जी, हमारे इस जनपद के जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के भाई जयपाल जी, और ओबीसी मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष राकेश गिरी जी, पूर्व विधायक भाई सुरेश जैन जी व चंद्रशेखर भट्टे वाले जी, हमारे प्रदेश वक्ता श्री मयंक गुप्ता जी, मंच का संचालन करने वाले हमारे महामंत्री श्री आदेश सैनी जी, मंडल अध्यक्ष प्रवीण संधु जी, अभिषेक चंद्रा जी, एवं अब मंच पर उपस्थित हमारे सभी पदाधिकारीगण, हमारी दूर दूर से आए हुए मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी माताएं बहनें, मेरे नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, जहां तक मेरी आवाज़ जा रही है, और इस धूप में लगातार जो हमारे इस पूरे कार्यक्रम को कवरेज करने में लगे हुए हैं मेरे मीडिया के सभी बंधु, पत्रकार मित्र, छायाकार मित्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, मैं सबसे पहले तो आज रुड़की शहर के अंदर पहुंचने पर आप सब लोगों ने जितनी गर्मजोशी से और जगह जगह पर, जैसा आदरणीय मदन कौशिक जी कह रहे थे, हर चौराहे चौराहे पर हमारी माताओं बहनों ने, नौजवान साथियों ने, बड़े बुजुर्गों ने जिस प्रकार का आशीर्वाद दिया है, जिस प्रकार का एक उन्होंने अपना स्नेह प्रदान किया है, मैं आप सब ने जो मेरा अभिनंदन किया है, स्वागत किया है, मैं भी अपने हृदय की गहराइयों से शीश झुकाकर आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूँ। रुड़की हमारी शिक्षा की भूमि है, यह IIT इस शहर की पहचान है, पुरानी पहचान, सेना की बड़ी छावनी यहाँ पर है। रुड़की में चली थी भारत की पहली रेलगाड़ी 1853 में, हमारे चैंपियन साहब कह रहे हैं। मैं आज मुख्य सेवक के रूप में रुड़की पहुंचकर स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, और मैं अपनी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, राष्ट्रीय नेतृत्व का, सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि एक सामान्य परिवार में पैदा हुए एक सैनिक के बेटे को आप सबके बीच में मुख्य सेवक के रूप में उन्होंने काम करने का अवसर प्रदान किया है। आप सबका प्रेम देखकर मैं भाव विभोर हो रहा हूँ। आज ये शिलान्यास का लगभग 18 करोड़ रुपए के यहाँ पर योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, और इस शिलान्यास के अवसर पर जो आप सबसे यहाँ पर मिलने का अवसर प्रदान हुआ है, मैं आप सबका आशीर्वाद चाहता हूँ। हम सभी लोग मंच पर उपस्थित आप सबका आशीर्वाद, आप सबका समर्थन और निश्चित रूप से आप सबका मार्गदर्शन भी चाहते हैं। रुड़की अपने में इतिहास समेटे हुए है, इसे रुड़की की छावनी के नाम से भी जाना जाता है, यह देश की सबसे पुरानी छावनियों में से एक है। क्योंकि मुझे इसके बारे में इसलिए जानकारी है कि
कि मेरी पृष्ठभूमि सेना से है और हमेशा से कभी भी जो है सेना में बंगाल इंजीनियर की बात होती है तो रुड़की का नाम सदैव उसमें लिया जाता है और अपने आप में देश का सबसे पुराना प्रौद्योगिकी संस्थान ITI भी यहाँ पर स्थित है। ऐसी शिक्षा की नगरी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। जब से मैंने मुख्य सेवक के रूप में काम करना प्रारंभ किया, हमने कहा है कि बहुत सारी जो पहले घोषणाएं हुई थी आज से 2017 से पहले की सरकार में, वो हजारों की संख्या में घोषणाएं हुई, लेकिन वो तो आपको बता रहे थे हम, जहां रुड़की के नेहरू स्टेडियम में कई जो है